खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। श्रीराम सेवा संगठन इचाक, हजारीबाग के कार्यकर्ता गण एवं कई ग्रामीणों ने पुलवामा हमले को लेकर जमकर किया विरोध एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुतले को दहन किया। वहीं सभी विरोधकर्ताओं में पाकिस्तान के प्रति काफी आक्रोश की भावना देखी गई। इस आक्रोश रैली में श्रीराम सेवा संगठन के बैनर तले पैदल कैंडल मार्च भी किया। इस दरमियान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद कुमार मेहता ने पुलवामा हमले में आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कही। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत मेहता, सचिव मनोज मेहता एवं राष्ट्रीय मंत्री छत्रधारी मेहता समेत कई गणमान्य कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित रूप से जानकारी दिए कि कश्मीर में लागू हुए 370 धारा को जल्द से जल्द खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किए एवं पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले को लेकर जल्द से जल्द बदला लिया जाएगा। वहीं विरोध स्थल पर मौजूद मौलाना मुश्ताक ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर कड़ी से कड़ी निंदा की। मौके पर सैकड़ों विरोधी जनता गण उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। उस हत्यारे ने मारा है, हम उस लहू को नहीं भूलेंगे और अपने उस देश के शहीदों का एक एक बूंद का हम बदला लेना चाहेंगे। अभी तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तड़पेगा, कल आने वाला दिन में अगर वो हत्यारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो आदमी खून की नदियों में तैरता नजर आएगा और हम अपने लहू का बदला लेने के लिए तैयार हैं। सारे हिंदुस्तानवासी दोषियों की सजा दिलाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पे ठोस कदम उठाएं और पाकिस्तान को करारा जवाब दें। आज इस कैंडल मार्च में और विरोध में कितने लोग उपस्थित हैं? हम लोग हजारों हजार की संख्या में आज कैंडल मार्च निकाले हैं। उन शहीदों को तहे दिल से नमन करता हूं और साथ ही साथ मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर में 370 धारा लागू है और 35 है उसको हटाएं और जितने भी हमारे नौसेना जवानों हैं, CRPF है, आर्मी कैंप के आर्मी जवान हैं, उन सभी को छूट दें पत्थरबाजों को गोली मारने का। और मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूं कि पत्थरबाजों करना बंद कर दें वरना वे बक्से नहीं जाएंगे।